गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे खाली थाली क्यों ली हुई है। यहाँ पर मैंने खाली थाली इसलिए ली है क्योंकि अब आ रहा है फेस्टिवल सीज़न। करवा चौथ है, दिवाली है और भी बहुत सारे पूजन के चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो वहाँ पर हमें पूजा की थाली हमें यूज़ करनी होती है। पूजा की थाली हम यूज़ करते हैं, तो आपको मार्केट में बहुत सारे डेकोरेटिव आपको थालियां भी मिल जाएंगी। अगर आप वो डेकोरेटिव थाली ना ख़रीदना चाहें और अपना ही कुछ क्रिएटिव माइंड लगा के कुछ नया आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप इससे भी बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक थाली है जो सिंपल सी थाली है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सिंपल सी थाली को हम किस तरह से एक अट्रैक्टिव लुक में यहाँ पे इसको दे रही हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो स्टिकर है, स्टिकर को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। इसके जो पीछे का जो ग्लू था, जो पेपर था, उसको हटाकर मैंने इस थाली पे ये स्टिकर को अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास पेंसिल है और इस पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पर सारे स्वास्तिक को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर स्केच की मदद से मैंने इस थाली को ड्रॉ कर लिया है। अब इस ऑयल पेंट की मदद से मैं यहाँ पर इन सभी स्वास्तिक को ड्रॉ कर लूँगी। येलो कलर की मदद से मैं यहाँ भी ड्रॉ कर लूँगी। ये थाली का जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी मैं रेड कलर से यहाँ पे पेंट कर दूंगी। ये यहाँ पर ये इतना मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया है जिसे मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थाली पे रेड कलर को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे येलो कलर से यहाँ पे मैं सर्कल बना दूंगी। इस तरह से ए
आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरी थाली पे ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पर मैंने सभी जगह से येलो डॉट बना दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी थाली होती है कंप्लीट, हम देख सकते हैं।